नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ वाणी न्यूज़ चैनल। मेरठ कॉलेज में बरगद का पेड़ आज भी 1942 के आंदोलन की यादों का गवाह है। यह पेड़ महात्मा नारायण स्वामी ने लगाया था। इसी बरगद के पेड़ के पास 196 घंटे तक यज्ञ व धरना चला था। इतिहासकार बताते हैं कि 1942 के आंदोलन में पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी भी मेरठ में हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही दुष्ट फरमा रहे हैं कि मेरठ जो है वो क्रांति से भी जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय हितों से भी सीधा सीधा जो है इसका हमेशा सरोकार रहा है, और उन राष्ट्रीय हितों के सरोकार का ही जो है ये प्रतीक ये वटवृक्ष भी है। ये वटवृक्ष जो है ये ऐतिहासिक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इस वटवृक्ष को मेरठ कॉलेज के छात्रों ने लगाया था। जब उस समय गांधी जी उपवास पे थे, तो उस आंदोलन से जुड़ने के लिए और उस आंदोलन की सफलता के लिए यहाँ लगातार सतत जो है 190 घंटे से ज़्यादा का हवन भी किया था। तो ये उसी चेतना के साथ जुड़ने का प्रतीक है कि जो भी उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन तो बिल्कुल अंतिम चरण था जहां सफलता मिल गई। उसके पहले भी जब भारत छोड़ो आंदोलन से असहयोग आंदोलन की बात हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो, हर आंदोलन से यहां के छात्र जो है सजग रहे और जुड़े रहे। असहयोग आंदोलन में सफलता के लिए तो खुद गांधी जी मेरठ कॉलेज की इस पवित्र धरती पर आए थे, और यहाँ के छात्रों ने भी उन्हें निराश नहीं किया, उन्हें भरपूर समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया, उनसे विमर्श किया, यहाँ तक कि उन्हें आर्थिक सहायता भी अपनी क्षमता पर दिया था। उस समय करीब 100 स्वर्ण मुद्राएं, इतिहासकार बताते हैं कि 100 स्वर्ण मुद्राओं का जो है दान मेरठ कॉलेज के छात्रों ने असहयोग आंदोलन के लिए किया था। उस समय असहयोग आंदोलन के साथ इतना जल्दी जो है जो सरकारी विद्यालय थे उसके छात्र और उसके अध्यापक खड़े नहीं होते थे, लेकिन मेरठ कॉलेज जो है वो राष्ट्रहित के सरोकारों से उस समय भी सजग था और उस आंदोलन के साथ खड़ा था। गांधी जी को छात्रों ने निराश नहीं किया। तो एक अच्छी परंपरा, एक पुरानी परंपरा रही है मेरठ कॉलेज के छात्रों की सचेतता की और राष्ट्रीय हितों के लिए लगातार खड़ा रहने की, कंट्रीब्यूट करने। हाँ, अंग्रेजों के दमन का एक जो है के खिलाफ न्याय का, गरीब का, कमज़ोर के साथ देने का ये एक प्रण था जिस मार्ग पे गांधी जी चलते थे, और उस पवित्र मार्ग पे उनके पदचिन्हों पे चलने की इच्छा शक्ति जो है वो मेरठ कॉलेज के छात्रों ने दिखाई थी, और वो स्वर्ण मुद्राओं का आर्थिक सहयोग उसी इच्छा शक्ति का प्रतीक था।